श्री सावन जोत सभा की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन जोत हरिद्वार ले जाने के लिए एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी देते हुए श्री सावन जोत सभा के प्रधान किशोर नागपाल ने बताया कि श्री सावन जोत सभा हर बरस विशाल शोभा यात्रा निकालती है, जो श्री सनातन धर्म मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सेवा समिति में विश्राम करेगी और इसके बाद सभी भगत हरिद्वार जोत को लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में श्री राम, श्री हनुमान, श्री राधा कृष्ण, श्री शिव शंकर महाराज के अलावा अन्य देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। इस मौके पर श्री सावन जोत सभा के सभी पदाधिकारी व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हाँ जी, क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? करनाल के सभी शहरवासियों से अनुरोध, सावन जोत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस शोभा को बढ़ाएं। इस शोभा में, शोभा यात्रा में बाल कलाकारों द्वारा सुंदर झांकियां गणेश जी की, राधा कृष्ण जी की और शंकर पार्वती जी की और हनुमान जी की, शंकर काली नृत्य भी और लंगरवीर हनुमान जो पानीपत से स्पेशल सावन जोत में आएंगे, उनके आशीर्वाद के लिए आप सबसे अनुरोध के सावन जोत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये जो भव्य स्वागत हम हो रहा है, हम जो हरिद्वार ले जाएंगे परसों और बड़े जोर शोर से हजारों की तादाद में लोग वहाँ जाते हैं। कई सालों से इसका 1911 से इसकी परंपरा चली आ रही है और हमारी टीम इसमें बढ़ चढ़ कर सेवा करती है और योगदान करती है। आज का ये कार्यक्रम जो है, ये इस विषय पे सभी मेंबरों ने इकट्ठा, कल जो शनिवार को साय 6 बजे सनातन धर्म मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। 21वां सावन जोत महोत्सव जो है, बड़ा हम धूमधाम से सभी बिरादरी मिलकर मना रहे हैं और जिसमें हमारे पूरे शहर वासियों का, व्यापारियों का, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये शहर की परिक्रमा करेगी। 1911 से अखंड भारत के मुल्तान से ये स्टार्ट हुई है, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज 21 साल हो गए हमें जो ये सावन जोत जो हम करनाल से शोभा यात्रा निकालेंगे। जगह जगह भय स्वागत द्वार बने हुए हैं जिसमें लोगों का इतना प्यार मिला, हर जाति बरादरी, हर धर्म का, हर पार्टी बाजी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इसमें हमारे करनाल से करणदेव कंबोज जी, संजय भाटिया जी, जगमोहन आनंद जी, अपना गिरीश अरोड़ा जी, आईएएस ऑफिसर, तहसीलदार जी यहाँ पे आएंगे और वहाँ पे हरिद्वार में उत्तराखंड के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी आएंगे। हम लोग सभी मतलब मिलजुल कर ये कार्य बनाते हैं जिससे ये हमारी एकता बनी रहे, अखंडता बने रहे, शहरवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए ये शोभा यात्रा निकल जाती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।